आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, और जो लोग भी क्रेडिट कार्ड का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को पता होगा कि बैंक की ओर से उन्हें रिवॉर्ड्स पॉइंट दिया जाता है। जब आप कार्ड का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करते हैं HDFC बैंक की ओर से उतना रिवॉर्ड्स पॉइंट दिया जाता है, जिसको आप कैश में अपना इन कैश कर सकते हैं, मतलब कैश में आपको मिल जाएगा। दूसरा जो है आप गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसका आप वाउचर उस रिवॉर्ड्स पॉइंट के बदले ले सकते हैं। तीसरा होता है आप सामान भी मंगवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको रिडीम करने के लिए सबसे पहले जो है आपका HDFC बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग है उसको लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। अब यह इंटरनेट बैंकिंग मेरा लॉगिन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चूंकि यह HDFC बैंक का न्यू लुक है इंटरनेट बैंकिंग का, जिसमें जो है इस तरीके से दिखता है, आपको क्या करना है, नीचे आना है और अपने क्रेडिट कार्ड का जो यह सेक्शन है उस पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी आपका कार्ड होगा वो आपको दिखा देगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से यह ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपके कार्ड के सारा डिटेल होता है। सो यहाँ पे आप देखोगे जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स है वो हमारा 16,416 पॉइंट है हमारे पास अभी। मतलब यह है कि इतना पॉइंट को मैं रिडीम कर सकता हूँ। सो रिडीम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, इस वाले साइड वाले में आपको देखना है, नीचे आना है और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाता है और एक तरीके से कहता है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग जो लॉग आउट हो जाएगा और मैं आपको जो है रिवॉर्ड्स पॉइंट वाले उस पर ले जाएगा वेबसाइट पे। सो आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो जो नेट बैंकिंग होता है वो लॉग आउट हो जाता है और आपका यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे आपको टोटल जो अवेलेबल है अभी रिडीम के लिए वो दिखाएगा, बाकी जो 16,000 दिखा रहा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अभी करंट वाला भी जोड़ दिया गया है, यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होने में यहाँ पे टाइम लगता है, नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में ऐड होता है। सो अब चलो 15,908 ही है, इसी को हम अभी सबसे पहले आपको कैश रिडीम करना बता रहे हैं। कैश रिडीम करना है तो या तो आप नीचे आकर के यहाँ पे कैश पे क्लिक करेंगे, या आप जो है ऊपर में भी यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पे भी कैश रिडीमशन का ऑप्शन आता है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके चले जाओ या यहाँ से क्लिक करके चले जाओ, बात बराबर ही है, सेम वेबसाइट पर ले जाएगा। अब यह कह रहा है कि चूंकि आपके 15,908 है तो इसके बदले हम आपको 3,182 रुपये देंगे। तो अगर आप पूरा चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पॉइंट आप रिडीम करना चाहते हैं वो 15,908 जो है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा कि इतने रुपए आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे 15,000 का नहीं, सिर्फ 5,000 का कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को और भी चीज़ें मुझे बताना है। 1,000 का जो हमें 1,000 रुपये मिलेगा तो वो यहाँ पर बताया गया। मैं यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा इस तरीके से आएगा, तो यह हमारा जो है डिटेल रहता है, जिसमें कहा कि इतना अवेलेबल है, आप मात्र इतना रिडीम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको इतना रुपये मिलेगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और रिडीम नाउ का ये ऑप्शन देख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं रिडीम करूँगा यह कहेगा आर यू श्योर, तो इसको आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश रिडीम जो हमारा 1,000 रुपये का प्रोसेस हो गया है। अब यह हो गया है 1,000 रुपये का कैश रिडीम, लेकिन यह कहाँ जाएगा? सो यह आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसमें चला जाता है, और अगला जो बिलिंग होगा आपका उसमें यह 1,000 रुपये माइनस होगा। आप चाहेंगे कैश मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यह 1,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड में वापस चला जाता है और वह आपको अगले बिलिंग में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1,000 की खरीदारी करा है तो आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसमें एडजस्ट हो जाएगा और आपका बिल जीरो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैश रिडीमशन। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि किस तरीके से आप कैश रिडीम कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप वाउचर ले सकते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसलिए जो है आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, उस वीडियो में आपको मैं सब चीज़ बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।